सज धज के खाकी सड़कों पे चलती है, मानो माली के बगिया से खुशबू महकती है। प्रिय का 16 श्रृंगार भी फीका पड़ जाता है, जब पाँव में बूट तन सिर पे टोपी तन पे वर्दी चढ़ जाता। खेल ही के बाद तक खेला जूडो कुश्ती कराटा, छोड़ा मध्य ड्रीम इलेवन के साटा। जुआ में तो राजा राजपाट संहार गई ने लुगाई, कुछ कर लाए हमार भाई जवनिया बार बार न आई। स्कूली बच्चे हेलो हाय टाटा बाय जय हिंद का उद्घोष करते हैं, बड़ा होकर खाकी ही पहनूंगा कहकर मन में संतोष करते हैं। तो हर अटेम्प्ट को दीजिए आखिरी समझ के, क्या पता अगले में कुछ महीने कुछ दिन से रह जाएं बच के। शुरू किए हो तो ये मत सोचो कि बहुत उम्र बाकी है, शुरू किए हो तो ये मत सोचो कि बहुत उम्र बाकी है, कब अंत हो जाए शुरुआत ही समझ के, शुरुआत ही समझ के। खेल ही के बाद तक खेला जूडो कुश्ती कराटा, छोड़ा मर्द ड्रीम इलेवन का साटा। दिन रात इंस्टे में रहे ला इंगेज, दिन रात रहे ला इंस्टा में इंगेज, गांव समाज में खराब कैला अपन इमेज। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ जिले के कुंवर सिंह उद्यान में है। यहाँ पे एक खबर करने आए थे, अचानक से हमारी मुलाकात एक मशहूर कवि शायर लेखक रवि सिपाही से हुई है। ये वही रवि सिपाही हैं जिनका हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू किया था, बड़ा ही धमाकेदार रहा, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो जब ये मुझसे मिले अचानक से, तो मैंने कहा कि यूपी पुलिस की जो भर्ती परीक्षा दोबारा से, क्योंकि आप सभी को याद होगा कि जब पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था तो उत्तर प्रदेश के कोने कोने से तमाम युवा साथी जो थे वो लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचे थे, प्रदर्शन किया था, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस परीक्षा को निरस्त करके कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद हम फिर से परीक्षा को करवाएंगे। तो कल से यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा होने वाली है, तो हमने रवि सिपाही जी से कहा कि भैया आप भी सिपाही हैं और सिपाही भर्ती की परीक्षा होने वाली है, तो क्या आपके पिटारे में कुछ ऐसा आपने लिखा है, कुछ ऐसा आपने बुना है जो सिपाहियों को जो भर्ती परीक्षा में कल बैठेंगे उनको मोटिवेशन का काम कर सके, उनको प्रेरित कर सके, तो उनके पास क्या है ये उनसे हम समझेंगे जानेंगे। तो देर न करते हुए सीधा इन्हीं से बात करते हैं। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। क्या कहना चाहेंगे, कल परीक्षा है, फिर रंगरूटों की भर्ती होनी है, और कुछ महीने पहले जो परीक्षा हुई थी वो निरस्त हो गई थी, तो फिर से कल से परीक्षा है, तो क्या कहना है आपका? आज मैं सुबह अमर उजाला अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक हेडलाइन था, देख के बड़ा अच्छा लगा। अच्छा। लिखा था कि यूपी का सिपाही बनने के लिए पूरा देश टूट पड़ा है। अरे वाह। अब करीब करीब 7-8 राज्यों का नाम दिया था, सबसे सेकंड पे था वो बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसे करके सभी क्रम से क्रमवार थे। तो आप लोगों को मैं सुना दे रहा हूँ एक कितनी प्रिय चीज़ें हैं, कितनी प्रिय वर्दी लगती है, कितनी खाकी जो लोग प्यार करते हैं, इस पे कुछ पंक्ति आपको सुना रहा हूँ कि सज धज के खाकी सड़कों पे चलती है, मानो माली के बगिया से खुशबू महकती है। क्या बात। सज धज के खाकी सड़कों पे चलती है, मानो माली के बगिया से खुशबू महकती है। प्रिय का 16 श्रृंगार भी फीका पड़ जाता है, जब पाँव में बूट तन सिर पे टोपी तन पे वर्दी चढ़ जाता है। क्या बात। प्रिय का 16 श्रृंगार भी फीका पड़ जाता है, जब पाँव में बूट सिर पे टोपी तन पे वर्दी चढ़ जाता है। इंद्रधनुष का रंग भी इसके आगे झील मिलाता है, काला गोरा सांवला सब पे जगमगाता है। ऐसे ही आम पब्लिक का सेल्फी की गुजारिश नहीं होती, खाकी ऐसे ही हर दिल की ख्वाहिश नहीं होती, खाकी ऐसे ही हर दिल की ख्वाहिश नहीं होती। स्कूली बच्चे हेलो हाय टाटा बाय जय हिंद का उद्घोष करते हैं, बड़ा होकर खाकी ही पहनूंगा कहकर मन में संतोष करते हैं। स्कूली बच्चे हेलो हाय टाटा बाय जय हिंद का उद्घोष करते हैं, बड़ा होकर खाकी ही पहनूंगा कहकर मन में संतोष करते हैं। बड़ा होकर तैयारी में जुट जाते हैं, कुछ मेहनत किस्मत से आते हैं, बाकी के सपने टूट जाते हैं। ऐसे ही युवा दिलों की पहली च्वाइस नहीं होती, खाकी ऐसे ही हर दिल की ख्वाहिश नहीं होती। आखिरी चार पंक्तियाँ कि गुंडा माफिया को मिट्टी में मिलाती है, जब पुलिस अपने आप में आ जाती है। सही बात। गुंडा माफिया को मिट्टी में मिलाती है, जब पुलिस अपने आप में आ जाती है। अपराधी अपराध करके कहीं भी जाएगा, पुलिस के जाल से बच नहीं पाएगा। पुलिस वालों की ताकत की कोई आजमाइश नहीं होती, खाकी ऐसे ही हर दिल की ख्वाहिश नहीं होती। और आज कल से एग्जाम शुरू हो रहा है, तो मैं एक जवानों को तंज भी कसूंगा कि जवानी एक ऐसी चीज़ है। मैं उसको सुनने से पहले कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, वो सारे जो अभ्यर्थी हैं कल परीक्षा देंगे, कल से शुरुआत है,
परीक्षा देंगे और उत्तर प्रदेश सरकार का एकदम अस्पष्ट आदेश है कि अब की बार अगर कोई गड़बड़ी हुई तो जो गड़बड़ी करने वाले हैं वो बचेंगे नहीं किसी भी सूरत में। बिल्कुल है ना, किसी भी हालत में नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। उसको थोड़ा ध्यान से हटाते हुए मैं थोड़ा और मोटिवेट करता हूँ। वो तो अस्पष्ट है कि कोई बक्से नहीं जाएगा, छूटेगा नहीं कोई भी नहीं। तो जिन्हें दोबारा मौका मिला है उन साथियों के लिए क्या कहेंगे? जैसे कि मैं बोला पहले ही कि जवानी इस चीज़ है जिसे पत्थर को भी पानी बनाया जा सकता है मेहनत से। बिल्कुल सही बात। तो मैं कल अभ्यर्थी जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको कुछ तंज कसूंगा कि कुछ कर ले हमारे भाई जवानियाँ बार बार ना आई, कुछ कर ले हमारे भाई जवानियाँ बार बार ना आई, पढ़ा लिखा सीखा बुद्धि विचार कर ले अपन सपना साकार, पढ़ा लिखा सीखा बुद्धि विचार कर ले अपन सपना साकार, सफलता है जीवन का एक त्यौहार, सफलता है जीवन का एक त्यौहार, कर मेहनत जग में नम वाला बनाई, कुछ कर ले हमार भाई जवानियाँ बार बार ना आई, गैला बढ़िया स्कूल बढ़िया कॉलेज तब वो कम पर जाता नॉलेज, गैला बढ़िया स्कूल बढ़िया कॉलेज तब वो कम पर जाता नॉलेज, सूझबूझ पर कर तू ध्यान लड़का नइखा हो गैला अब सियान, लेता बाबू माई का लजिया बचाई, कुछ कर ले हमार भाई जवानियाँ बार बार ना आई, कुछ कर ले हमार भाई समैया बार बार ना आई, खेल ही के बात खेला जूडो कुश्ती कराटा छोड़ा मर्द ड्रीम इलेवन का साटा, खेल ही के बात खेला जूडो कुश्ती कराटा छोड़ा मर्द ड्रीम इलेवन के साटा, जुआ में तो राजा राजपाट संहार गई ने लुगाई, कुछ कर ले हमार भाई जवनिया बार बार ना आई, कुछ कर ले हमार भाई जवनिया बार बार ना आई। अच्छा रवि भाई, ये बताइए कि जैसे आपने दो कविताएँ सुनाई जो लिखी है आपने उन युवाओं को प्रेरित करने के लिए कि ये मौका दोबारा बार बार नहीं मिलेगा आपको, है ना, या वो युवा जो अपनी ज़िंदगी को इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं फालतू के कामों में, ड्रीम इलेवन पर सट्टा खेल रहे हैं, आपने सबको एक सीख दी है। अच्छा ये बताइए, आपने ये जो वर्दी पहनी है, आपने कहा ना कि जब ये तन पे वर्दी सजती है तो फिर एक अलग से ताकत मिलती है, और बहुत सारे युवाओं से आप सीधे पूछ लीजिए क्या बनना है तो सबको एक सपना रहता है कि मैं एक बार ज़रूर अपनी ज़िंदगी में वर्दी पहनूं। तो क्या है इसका, वर्दी का नशा क्या है, क्या इसमें जुनून है कि हर कोई युवा वर्दी में अपने आप को देखना चाहता है, वर्दी हासिल करना चाहता है? भैया क्या है ना कि मैं अपनी व्यक्तिगत सोच बता रहा हूँ, सोच कि हमें लगा कि सी ग्रेड में कोई भी नौकरी करेंगे, मास्टर बनेंगे, लेखपाल बनेंगे या और कोई कृषि विभाग नौकरी करेंगे, आप कहीं सफ़र करेंगे या किसी कार्य पर जाएंगे भी तो बताना पड़ेगा कि मैं फला हूँ, लेकिन एक सिपाही जाता है तो बताना नहीं पड़ता है, एक पुलिस वाला ड्यूटी पर जा रहा है। यही सबसे बड़ी प्रेरणा है कि ये वर्दी कपड़ा तो लाखों हजारों के लोग पहनते हैं लेकिन ये सब कोई नहीं पहनता है, इसके लिए अपनी मेहनत किस्मत और एक जवानी का वो शौक होता है भैया। हाँ, अपने आप को खपाना पड़ता है, लगाना पड़ता है इसके लिए, दौड़ भाग सीना लंबाई चौड़ाई रिटर्न सारी मेडिकल फिट समझिए कि सब कुछ से तैयार रहना पड़ता है इसमें, इसको पाने के लिए। तो कल जो परीक्षा देने जा रहे हैं फिर से, उन युवाओं से क्या कहना है? उन लोगों से बस यही कहना है कि हर एक मौका को आप आखिरी समझ दीजिए, तो हर अटेम्प्ट को दीजिए आखिरी समझ के, क्या पता अगले में कुछ महीने कुछ दिन से रह जाए बच के। क्या बात, हर अटेम्प्ट को दीजिए आखिरी समझ के, क्या पता अगले में कुछ महीने कुछ दिन से रह जाए बच के, शुरू किए हो तो ये मत सोचो कि बहुत उम्र बाकी है, शुरू किए हो तो ये मत सोचो कि बहुत उम्र बाकी है, कब अंत हो जाए शुरुआत ही समझ के, शुरुआत ही समझ के। क्या बात है, तो देखिए ये रवि सिपाही हैं जो PSC में सिपाही हैं और इनको बाकायदा परमिशन है, इन्होंने परमिशन लिया हुआ है क्योंकि ये जनहित के मुद्दों को अपनी लेखनी के माध्यम से समाज पे समाज के पटल पे रखते हैं, युवाओं को प्रेरित करते हैं और अनूठे ढंग से अपनी बात को रखते हैं। तो कल से जो यूपी पुलिस की भर्ती की दोबारा परीक्षा होने जा रही है उन सभी अभ्यर्थियों को इन्होंने अपने तरीके से मोटिवेट किया है और ये कहने की कोशिश की है कि हर एक मौका आखिरी समझकर उसमें अपने आप को पूरी तरह से रमा देना है, लगा देना है, उस मौके को भुना लेना है क्योंकि ज़िंदगी में आगे फिर आपको कभी दोबारा ये मौका मिले ना मिले, इसीलिए हर एक मौके को आखिरी समझ करके उसमें मेहनत करना है और मेहनत से उसको सफलता हासिल करने का आपको प्रयास करना है। बहरहाल आगे भी हम रवि सिपाही जी से बात करते रहेंगे क्योंकि एक बड़े मशहूर ऐसे सिपाही हैं, दरोगा हैं, रवि भाई से मैंने पिछली बातचीत में उनका जिक्र किया था, धर्मराज कवि शायर, तो हमारे आज़मगढ़ में भी पूर्वांचल में भी धर्मराज कवि शायर के जैसा ही रवि सिपाही का एक दिन नाम होगा या हो सकता है उनसे बढ़कर, के ये तो इनकी लेखनी पर निर्भर करता है। बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और फिर आपसे बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद भैया।
सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।